आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पितृपक्ष चल रहा है, 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष लगातार जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितृपक्ष में, पितृपक्ष के संबंध में जो भी वेदों में मिलता है, सनातन धर्म में पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध कर्म को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृ और पूर्वज तृप्त होते हैं, वे आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं। श्रद्धा के बारे में अनेक धर्म ग्रंथों में बहुत सारी बातें कही गई हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के संबंध में ऐसी बातें बताई हैं जो वर्तमान समय में बहुत ही कम लोग जिन बातों को जानते हैं। महाभारत में बताया गया कि श्राद्ध पर्व की परंपरा कैसे शुरू हुई और फिर धीरे धीरे आम जनता तक ये पूरी की पूरी परंपरा कैसे पहुंची। महाभारत में ये बताया गया कि श्राद्ध पर्व की परंपरा आरंभ हुई और श्राद्ध से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जिन संबंध में जानना बहुत जरूरी है। इस संबंध में जो भी जानकारी जो आचार्यों के द्वारा बताई गई है उसके अनुसार महाभारत में के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश महर्षि निमि के द्वारा महातपस्वी अत्रि मुनि को दिया गया था। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध आरंभ किया, उसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। धीरे धीरे चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवताओं पितृ पूरी तरह तृप्त होने लगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों की तिथि पर गीता पाठ भी कराया जाता है। आइए हम आपको गीता पाठ सुनाते हैं, कितने सुंदर तरीके से यह गीता पाठ चल रहा है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गीता पाठ का विधान भी है और इसके बाद हम एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पितृ तर्पण किया जाता है। श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण भोजन न पचने का रोग हो गया, इससे उन्हें कष्ट होने लगा। ये बातें भी कहीं ना कहीं वेदों में मिलती हैं। जब अजीर्ण होने लगा पितरों को, क्योंकि श्राद्ध का बोझ वे लगातार करते थे, तब वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हे जगत के निर्माता भगवान ब्रह्मा, श्राद्ध का अन्न खाते खाते हमें अजीर्ण रोग हो गया, इससे हमें कष्ट हो रहा है, आप हमारा कल्याण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले आपका कल्याण करेंगे। अग्निदेव बोले देवताओं और पितरों, अब से श्राद्ध में हम लोग साथ ही भोजन किया करेंगे, मेरे साथ रहने से आप लोगों का जीर्ण दूर हो जाएगा। यह सुनकर देवता व पितर प्रसन्न हो गए, इसलिए श्राद्ध माह में सबसे पहले अग्नि का भाग दिया जाता है। वहीं आचार्यों का कहना है कि महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाता है उसे ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते। श्राद्ध में अग्नि देव को उपस्थित देखकर राक्षस वहां से भाग जाते हैं। सबसे पहले पिता को, उसके बाद दादा को और उसके बाद परदादा को पिंड देना चाहिए, यही श्राद्ध की विधि है। प्रत्येक पिंड देते समय एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जाप, पितृ गायत्री का जाप, सोमाय पितृमते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए।
आचार्यों के अनुसार जो रजस्वला स्त्रियां होती हैं श्राद्ध का भोजन तैयार करने में उन्हें नहीं लगाना चाहिए। तर्पण करते समय पिता पितामह आदि के नाम का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। किसी नदी के किनारे पहुंचने पर पितरों का पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। पहले अपने कुल के पितरों को जल से तृप्त करने के पश्चात मित्रों संबंधियों को जलांजलि देना चाहिए। चितकबरे बैल से जुती हुई गाड़ी में बैठकर नदी पार करते समय बैल की पूंछ से पितरों का तर्पण करना चाहिए, क्योंकि पितर वैसे तर्पण की अभिलाषा रखते हैं। ये बात भी आचार्यों के द्वारा बताई गई। आचार्य के द्वारा ये भी बताया गया कि नदी से नाव पार करते समय पितरों को तर्पण करना चाहिए। जो तर्पण के महत्व को जानते हैं वे नाव में बैठने पर एकाग्रचित होकर अवश्य पितरों का जलदान करते हैं। कृष्णपट में जब महीने का आधा समय बीत जाए अर्थात अमावस्या तिथि को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितरों की भक्ति से मनुष्य की पुष्टि आयु वीर धन की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी पुलस्य वशिष्ठ पुलय अंगिरा क्रतु और महर्षि कश्यप ये सात ऋषि हैं, महान योगेश्वर और पितर माने गए हैं जिनका निधन हो चुका है। मनुष्य अपने वंशजों द्वारा पिंडदान पाकर प्रेतत्व के कष्ट से छुटकारा पाते हैं। आचार्यों के अनुसार महाभारत के मुताबिक श्राद्ध में जो तीन पिंडों का विधान है उसमें सबसे पहला जल में डाल देना चाहिए, दूसरे पिंड श्राद्ध कर्म को श्राद्धकर्ता की पत्नी को खिला देना चाहिए, तीसरे पिंड को अग्नि में छोड़ देना चाहिए। यह श्राद्ध का विधान है, इसका पालन करता है उसके पितर सदा प्रसन्न चित्त और संतुष्ट रहते हैं, उसको दिया हुआ दान अक्षय होता है। आचार्यों के अनुसार पहला पिंड पानी के अंदर भीतर चला जाता है, वह चंद्रमा को तृप्त करता है और चंद्रमा स्वयं देवता और पितरों को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार पत्नी गुरुजनों की आज्ञा से दूसरा पिंड खाती है, उससे प्रसन्न होकर पितर पुत्र की कामना वाले पुरुष को पुत्र प्रदान करते हैं। तीसरा पिंड अग्नि में डाला जाता है, उससे तृप्त होकर पितर मनुष्य की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आचार्यों के अनुसार पितरों के मोक्ष व सद्गति के लिए हरिद्वार गया जी और जहाँ जहाँ प्रसिद्ध तीर्थ हैं वहाँ पर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आचार्य उपेंद्र तिवारी के द्वारा यहाँ आप देख सकते हैं स्वयं जल में खड़े हैं और पितृ तर्पण कराया जा रहा है उनके द्वारा पूरे विधि विधान से। यहाँ विभिन्न आचार्य आते हैं, विभिन्न आचार्यों के द्वारा पितरों का तर्पण यहाँ पर पूरे विधि विधान से कराया जाता है। जिन भी यहाँ पर जो भी आते हैं उनके पितरों की तिथि पर गीता पाठ का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। गीता पाठ हमने आपको दिखाया, गीता पाठ सुनाया, किस तरह से गीता पाठ ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। इससे पितर संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, पितरों का आशीष आपको मिलता है। विवाह में बाधा, घर में कलह, ये सारी चीज़ें इसी से दूर होती। पितृदोष का निवारण, आचार्यों का कहना है कि पितृदोष का निवारण भी काफ़ी हद तक पितरों के तर्पण से होने लगता है। पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर पितरों का तर्पण किया जाता है। बैनगंगा पुण्य सलीला है और बैनगंगा के लखनवाड़ा घाट पर यह किया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, जय हिंद।